वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। फैसले की परत विधिमंडल सचिवालय को प्राप्त होने के बाद विधिमंडल सचिवालय उस निर्णय का अभ्यास करेंगे और निश्चित रूप से उस पर अंतिम निर्णय ये अध्यक्ष महोदय लेंगे। सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, सवाल देश भर की विधानसभाओं का है, पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट का अधिकार, विधानसभा का अधिकार वो अंतिम है कि उस पर कोर्ट का आदेश लागू होता है। ये सब बिंदुओं पर विधिमंडल सचिवालय अभ्यास करेगा और उसके बाद अंतिम निर्णय अध्यक्ष महोदय लेंगे। जिस तरह से टीपू सुल्तान को लेकर भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, देश के संविधान में पार्ट 15 में छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, पार्ट 16 में रानी लक्ष्मीबाई और टीपी सुल्तान जी का तस्वीर के साथ उनके कार्यों को गौरवान्वित करने का काम किया गया है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि टीपू सुल्तान का विरोध कर रहे हैं कि देश के संविधान का विरोध कर रहे हैं। हमें लगता है टीपू सुल्तान का विरोध करना भारतीय संविधान को नकारने के बराबर है और जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, देश का संविधान बदलने की बात जो बार बार की जाती है, शायद उसका कारण एक ये भी हो सकता है। बीजेपी विरोध करे तो क्या करे, हमको राज्य सरकार चलानी नहीं है क्या? देखिए, ये किसानों के हित का निर्णय है। वाइन है कोई लिकर नहीं है। पहली बात, किसान जो होता है वो चाहे क्या बोलते हैं, ग्रेप्स और भी फलों का उत्पादन करता है, उनसे वाइन बनता है। अगर वाइन का उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों के ये जो फल है उसको भी रेट अच्छा दाम मिलेगा। तो यही ध्यान में रखकर महाराष्ट्र सरकार ने ये सब कुछ किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को किसानों के हित के बारे में कोई चिंता नहीं है तो ठीक है, तो किसानों के बारे में बात करना बंद कर लीजिए। जब भी कोई निर्णय आता है तो ये विरोध करते हैं, विरोध करना उनका काम हो गया है।